नमस्कार, मेरा नाम है जो आप देख रहे हैं सक्सेना टेक्निकल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे MGPRU रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के न्यू एडमिशन फॉर्म की। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। सो दोस्तों, अगर आप लोग भी राजकीय महाविद्यालय फरीदपुर में ऑनलाइन आवेदन किया था और आप लोगों ने अपना फॉर्म को कॉलेज में जाके सबमिट किया था, तो दोस्तों आज है 18/1/2021 और आज राजकीय महाविद्यालय फरीदपुर में मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बीए बीएससी बीकॉम की फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कितनी कटाप गिरी है। सो आप लोगों को मेरिट लिस्ट दिखाएंगे और साथ ही में बताएंगे कि अब आप लोग न्यू एडमिशन लेने के लिए आप लोग कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाके कॉलेज में सबमिट करके अपना न्यू एडमिशन करा सकते हैं और आप लोगों की कितनी फीस जमा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं राजकीय महाविद्यालय फरीदपुर बरेली के न्यू एडमिशन की फर्स्ट मेरिट लिस्ट बीए प्रथम वर्ष की यहाँ पे 2021 की जारी कर दी गई है। साथ में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जारी की गई है 18/8/2021 को। साथ ही में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्रवेश तिथि एवं समय इन्होंने दे रखा है 19/8/2021 से लेकर 21/8/2021 तथा यहाँ पे 23/8/2021 तक इस मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आया है कटाव में वो लोग जाके कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आरक्षण वर्ग यानी जनरल ओबीसी एससी की जो फर्स्ट कटाव गिरी है वो यहाँ पे 65% कटाव गिरी है। बहुत ही कम कटाव गिरी है और ज़्यादातर स्टूडेंट का यहाँ पे नंबर आ चुका है। बात कर लेते हैं यहाँ पे समान वर्ग के छात्राओं की यानी गर्ल्स की जनरल कास्ट की केवल 45% कटाव गिरी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आरक्षण वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की कैंडिडेट की यहाँ पे 57.80% कटाव गिरी है। बात कर लेते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्राओं की, तो दोस्तों यहाँ पे 55.4% कटाव गिरी है। बात कर लेते हैं आरक्षित अनुसूचित जनजाति छात्र एवं छात्राओं की, यहाँ पे 42% केवल कटाव गिरी है। बात कर लेते हैं ये केवल अभी इन्होंने कटाव जारी की है। अगर आप लोग भी राजकीय महाविद्यालय में नए एडमिशन के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है और आप लोग भी अपना एडमिशन की लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। अगर आप लोगों ने बरेली कॉलेज या फिर अवंती बाई ने भी फॉर्म को फिल किया है तो भी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलेगी। बात कर लेते हैं कि अब प्रथम मेरिट लिस्ट में जिन लोगों के नाम आए तो सभी छात्र छात्राएं मेड बनने के आधार पे यहाँ पे बीए में प्रवेश एवं बीकॉम में वाजड़ित से आप लोग मेरिट के आधार पे 5 अंक कम कर दिए गए हैं। अगर आप लोगों को बता दें यहाँ पे अगर आप लोगों का जो मेरिट लिस्ट में नाम आता है जैसा कि हमने यहाँ पे कटाप आप लोगों को यहाँ पे दिखाई थी और आप लोगों को राजकीय महाविद्यालय की फर्स्ट मेरिट लिस्ट आप लोगों को कल देखने को मिलेगी जिसमें आप लोगों का नाम होगा कि आप लोग अपना एडमिशन कब ले सकते हैं, तो वो आप लोगों को 19/8/2021 को जारी करी हुई मिलेगी। साथ में अगर आप लोगों का नाम आ गया है तो दोस्तों आप लोगों को कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सभी प्रमाण पत्रों की छाया प्रति का मतलब आपको फोटो स्टेट ले जानी है, ओरिजिनल टीसी आपको कॉलेज में ले जानी है। अगर आपका कोई भी गैप है तो आप लोगों को नोटरी पे वकील से प्रमाणित शपथ पत्र आपको लिखवाना है। यदि आपका कोई गैप है और चरित्र तो आप लोगों को चरित्र प्रमाण पत्र भी गैप का चाहिए होगा। साथ ही में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र भी चाहिए, आधार कार्ड भी चाहिए। अगर आप लोग किसी अदर बोर्ड से हैं तो आपका मैग्नेशन भी चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होने चाहिए, कलर आपके 5 फोटो होने चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे आपको 100 रुपये विद्यालय का पंजीकरण शुल्क के साथ आप लोग कॉलेज में जाके अपना नया एडमिशन ले सकते हैं। तो आशा करते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा और कॉलेजों की मेरिट लिस्ट जानने के लिए हमारे चैनल सक्सेना टेक्निकल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।